फिल्म आर्टिस्ट हूँ और हम दिल्ली के रहने वाले हैं। खासकर हम राजकुमार जी को और अपने शर्मा जी को और डायरेक्टर को बधाई देने के लिए आए हैं। स्टोरी आप हम सुन चुके हैं, स्टोरी यकीनन बहुत बेहतरीन है और आने वाले कल में फिल्म ऐसी मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आई है। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे ये फिल्म हिट हो, सुपर हिट हो। हम सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं ऑलरेडी आर्टिस्ट हूँ, सपोर्ट में विलन था सुनील शेट्टी के सामने, मेरे डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, माचिस होते दुनिया को आग लगा देता, त्यागी नाम है मेरा, सपूत, महाराजा, उड़ान, बहुत फिल्में हैं। अभी मैं 107 फिल्में कर रहा हूँ और शर्मा जी मेरे अच्छे मित्र हैं और खासकर हमें शर्मा जी ने बुलाया और हमारे राजकुमार और उन बच्चों को सबको बधाई देने के लिए मैं सबको अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ ये फिल्म हिट हो और अच्छी एक्टिंग करे हर बंदा। ये थिएटर में रहा है और मेरे साथ बॉम्बे में भी बहुत काम किया, हम लोग ग्वालियर में साथ में थिएटर करते थे और बहुत मुझे खुशी है कि ये फिल्म बना रहे हैं। मेरा पूरा आशीर्वाद है, मेरा पूरा सहयोग है इनको कि अच्छे से फिल्म बनाए और फिल्म बहुत अच्छी हिट हो। फिल्म की कहानी जो है बहुत यूनिक कहानी है, अभी तक इस तरह का कॉन्सेप्ट किसी ने टच नहीं किया है। मतलब इसमें जो है अभी तक सबने इस तरह से दिखाया कि रेप के बाद जो अपराधी है उसको मतलब सजा दिलवाने तक का सारा जर्नी हुआ और फिल्म ख़त्म हुई, लेकिन हमने उसके बाद सजा के बाद उस लड़की का समाज में मतलब समाज के लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहता है, उसके उसको लोग क्यों नहीं अपनाते हैं, इन सब जो है मुद्दों को उठाया है। मेरा नाम राजकुमार है, इस फिल्म का हीरो, राइटर और प्रोड्यूसर मैं ही हूँ और ये फिल्म इसका नाम है लव पोस्ट। ये फिल्म बेसिकली एक लड़की के ऊपर है और एक लड़के के ऊपर है जो पोस्ट ऑफिस में उनकी लव स्टोरी चलती है और इस कहानी के जरिए मतलब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जिन लड़कियों के साथ रेप होता है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि मतलब लोग उनके मतलब बारे में बहुत गलत सोचते हैं समझते हैं। तो बेसिकली बाकी का क्या है कहानी के अंदर मसाला वो तो स्क्रीन पे मालूम चलेगा। डेब्यू फिल्म है, ऑलरेडी एक फिल्म मैं प्रोड्यूस कर चुका हूँ, ठीक है, जिसका नाम रोमियन ब्लड था, पहले की थी मैंने, लेकिन एज ए को प्रोड्यूसर की थी, एज ए राइटर की थी। आपके लिए कास्ट में और कौन होंगे? मेरे कास्ट में जैसे अनुराग जी हैं, मोहित जी हैं, माया हैं, रजनी जी हैं और भी दो चार एक्टर हैं लेकिन वो शूट पे बिजी थे। बाकी विजेंद्र काला जी हैं इस फिल्म के। 24 मई को जाएगी अपना देहरादून में शूट। हाँ, बेसिकली इसमें ये दिखाना चाहा कि लाइफ में कुछ हमारे जो एम्बिशंस होते हैं या कुछ भी एक्सपायर जो हम सोचते हैं उससे परे भी ज़िंदगी होती है कुछ जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं करते। तो दो लोग हैं जिसमें एक आदमी कुछ और सोचता है, लड़की कुछ और सोचती है, तो उनके बीच में एक स्वीट सी एक लव स्टोरी है। बेसिकली आई एम माया, बहुत अच्छी लगी, स्टोरीलाइन बहुत अच्छी थी एंड जैसे पहले भी मैंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट है इसे किसी ने टच नहीं किया एंड वेरी स्पेशल स्टोरी है एंड वेरी हार्ट टचिंग। और जिस तरीके की सर ने इस फिल्म के जरिए एक समाज के सामने जो सोच रखने की कोशिश की है वो बहुत अच्छी है कि एक रेप हुई लड़की के साथ जो भी एक बिहेवियर जो होता है समाज के समाज जो उसके प्रति सोचता है कैसा होना चाहिए और कैसा होता है रियलिटी में कैसा है ये दिखाया गया है। अच्छी है, हार्ट टचिंग है और स्पेशली लेडीज भी इस पर बनाई गई है कि उन लोगों के लिए हाँ क्या कर सकता है समाज अगर किसी का रेप होता है कुछ भी होता है तो समाज उसके साथ मतलब हमदर्दी दिखाता है बट उसका साथ नहीं देना चाहता। वही दिखाया जा रहा है कि कोई भी लड़की अगर किसी का रेप होता है तो उसके खुद की स्वेच्छा से नहीं होता है तो उसे कैसे उसके साथ संपर्क बनाए या कैसे करना चाहिए या उसकी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए समाज में ये सब दिखाया गया। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड एक्टर बट आगे आप सब लोग खुद ही देखेंगे फिल्म में कि रोल क्या प्ले किया है एंड हमारी शुभकामनाएं इनके साथ कि फिल्म सुपर हिट हो और आप सबका आशीर्वाद मिले।